अभिषेक जूही, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। चलिए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में मानसून की झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में राजस्थान के करीब एक दर्जन जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान बारह में सबसे ज्यादा 195 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मालपुरा, पीपलू, अलीगढ़, टोडा, रायसेन नगर, कोट में भी 100 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। 53वीं बॉक्सिंग प्रतियोगिता गुरुवार को संपन्न हुई। प्रतियोगिता में बॉक्सिंग, कुश्ती और जिम्नास्टिक के खेलों में 35 स्कूलों के 238 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र लूनीवाल की देखरेख में आयोजन किया गया। महेंद्र लूनीवाल ने बॉक्सिंग समापन के बाद निर्णायक की भूमिका निभाने पर सभी बॉक्सिंग ऑफिशियल को खेल के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक की भूमिका निभाने पर सभी का आभार प्रकट किया। राजस्थान की बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री क्रोइलाल मीना के इस्तीफे पर एक नई सियासी कहानी शुरू हो गई। क्रोइलाल मीना के इस्तीफे पर लेटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब दौसा लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीना ने मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा को पत्र लिखकर क्रोइलाल मीना का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की दरखास्त की है। नेशनल एसोसिएशन पॉलिसी और राजस्थान विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने के विरोध को लेकर कुलपति भवन का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। एसएफआई के जिलाध्यक्ष कपिल राव ने बताया कि नई शिक्षा नीति छात्र समुदाय के लिए उचित नहीं है। सेमेस्टर प्रणाली से विद्यार्थी को बार बार फीस जमा करानी पड़ती है। इस कारण गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। इसको लेकर एसएफआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बारिश में हर जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। झलावाड़ झलारपाटन की ग्राम पंचायत समराई जिले मुख्यालय झलावाड़ को जोड़ने वाली सड़क पर इन दिनों 1 से 1.5 फीट के गहरे गड्ढे में बारिश का पानी जमा होने से हादसा होने की संभावना बनी हुई है। इसी को लेकर गांव के ग्रामीणों ने समराई से गख्ती तक जाने वाली सड़क पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में मजदूरों की सुनवाई ना होने और एक हेड कांस्टेबल द्वारा मजदूर की मजदूरी का भुगतान ना करने और बढ़ती चोरियों के खिलाफ सीटू कार्यकर्ताओं ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों सीटू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस लाइन में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने अपने घर पर काम करवाने के बाद मजदूर की मजदूरी नहीं दी। उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वही मजदूर अगर कोई शिकायत लेकर थाने आता है तो पुलिस कर्मी उसकी सुनवाई नहीं करते। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के विवक कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। उन्हें न्यायिक अवधि खत्म होने के बाद 30,000 कोर्ट में पेश किया गया, जो कोर्ट ने विवक कुमार की न्यायिक हिरासत को 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। अग्निवीर को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने नया वीडियो जारी कर दावा किया कि पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। परिवार को बीमा की राशि मिली है। मुआवजा और बीमा में फर्क होता है और शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की ओर से भुगतान किया गया है। सरकार की ओर से जो सहायता शहीद अजय कुमार के परिवार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा कि ये लोग लोकतंत्र और संविधान का सम्मान नहीं करते। संविधान को हाथ में लेकर लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना अलग बात है। अगर संविधान का सम्मान करते तो जनादेश को स्वीकार कर चुके होते। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही है और जिस तरह से 5 साल में कार्य हुआ वैसे ही आगे भी होगा। हाथरस भगदड़कांड के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल सामने आया और उसने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।